नमस्कार आरए न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को कोई भी शरणागह ना समझे ये किसी की शरणस्थली नहीं है कई बार देखने में आया है कि बाहर से लोग यहां आकर कई तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं इसी तरह के तत्वों का पता लगाने के लिए गुरुवार से ही सत्यापन अभियान शुरू किया गया है गुरुवार को प्रदेश में दो लोगों का सत्यापन किया गया है उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को भी जल्द लागू किया जाएगा आपको बता दें कि गुरुवार को प्रदेश में सत्यापन अभियान शुरू करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड शांत प्रदेश है यहाँ भौगोलिक सामरिक और धार्मिक या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशिष्टता लिया हुआ प्रदेश है यहाँ पर विशिष्टता बनी रहनी चाहिए शांति बनी रहनी चाहिए ये देखने में आया है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बढ़ रही है अनावश्यक रूप से गतिविधियां बढ़ रही हैं और कई बार बाद में पता चलता है कि ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने वाला राज्य के बाहर से आया है और पहले भी आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल रह चुका है तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों के आराम करने का स्थल ये नहीं है और कुछ दिन बताकर यहाँ से चले गए इसीलिए ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश पर गुरुवार में इस सत्यापन अभियान की शुरुआत की गई बताते चले की पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया है कि यह अभियान घर घर जाकर चलाया जाएगा ठेली और रेहडी वाले और बाहर से आने वाले मजदूरों और क्रमिकों का भी सत्यापन किया जाएगा तो वहीं उत्तराखंड बनने के बाद चंपावत विधानसभा सीट पर पहली बार उपचुनाव हो रहा है इस उपचुनाव में बीजेपी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में होंगे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेकर भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन आपको बता दें कि चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने गैतोड़ी का त्यागपत्र मंजूर करने की जानकारी भी मीडिया को दी और इसके बाद यह साफ हो गया कि चंपावत सीट से सीएम धामी ही उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी की ओर से स्थिति स्पष्ट हो गई है पर कांग्रेस ने तस्वीर साफ नहीं की तो वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का यह कहना है कि पार्टी हाईकमान जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा सब कार्यकर्ता पूरे दमखम से उसी को जिताने में जुटेंगे पूर्व में भी मुख्यमंत्रियों के उपचुनाव में उतरने पर नजर डालें तो यह भी साफ है कि किसी भी सीएम को उपचुनाव में जीत के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ी तो वही हाईकमान ने अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है लेकिन कांग्रेस बीजेपी को किसी सूरत में वॉकओवर नहीं देगी बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने कहा है कि उपचुनाव के लिए अगर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो पूरे दम से लड़ूंगा अगर किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट दिया तो भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे संगठन की मजबूती और जनता के हितों को लेकर हर कार्यकर्ता पूरी तरह से कृत्य संकल्प है तो वहीं अब सरकार अंत्योदय योजना के तहत अति गरीब महिलाओं और परिवारों को तीन गैस सिलेंडर हर साल मुफ्त देने की कवायद कर रही है इसी कड़ी में अब खाद नागरिक और आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं अपनी चुनावी घोषणा को अमली जमा पहनाने के लिए आर्य कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भी इस प्रस्ताव को अगली मीटिंग में रखने की कवायद कर रहे हैं कैबिनेट के, के अप्रूवल के बाद ही इस मामले पर सरकार आगे सकारात्मक फैसला ले सकती है और आपको बता दें कि रेखा आर्या ने राशन कार्ड धारकों और राशन विक्रेताओं की समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राज्य खाद्य योजना को लेकर भी उन्होंने सख्त रुख इख्तियार किया है जब बीते इक्कीस अप्रैल को आर्या ने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की तो इस बैठक में उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा साथ ही करप्ट ऑफिसर्स तो पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी साथ ही उन्होंने कई बिंदुओं पर निर्देश दिए वहीं देहरादून से संवाददाता सुनील नवप्रभात ने बताया है कि नई सरकार बनने के बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बजट पेश किया था उसमें मुफ्त सिलेंडर मुहैया करवाए जाने को लेकर अट्ठारह करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है आपको बता दें कि राज्य सरकार करीब एक दशमलव आठ चार लाख परिवारों को हर साल रसोई गैस के तीन सिलेंडर मुफ्त देने का पूरा मन बना चुकी है तो वही गौरतलब है कि गैस सिलेंडर के दाम पांच सौ रूपए से ज्यादा न बढ़ने देने की चुनावी घोषणा कांग्रेस ने भी की थी बता दें कि सरकार अंत्योदय कार्ड धारकों को तीन मुफ्त सिलेंडर देने की योजना पर आगे बढ़ रही है तो वहीं आपको ये भी बता दे कि राज्य में इन कार्ड धारकों की क्या स्थिति है ऐसे में कुमाऊ मंडल में देखें तो ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा सत्रह ऐसे कार्ड धारक है इसके बाद बारी आती अल्मोड़ा की जहां तेरह हजार सात सौ सत्तावन कार्ड धारक है एक खबर के मुताबिक गढ़वाल मंडल में हरिद्वार से भी ज्यादा सैंतीस हजार छह अंत्योदय कार्डधारी है तो फिर बात करते हैं टिहरी की जहां पर बाईस हजार छह सौ छियासी कुल मिलाकर कुमाऊं में बहत्तर हजार से ज्यादा गढ़वाल में करीब एक लाख बारह हजार से ज्यादा धारक पाए गए हैं फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का अधिकार है जबकि कई लोग फुटपाथ पर अतिक्रमण कर फेरी और ठेला लगा लेते हैं या बगीचे का विस्तार या सुरक्षा गार्ड का केबिन बना देते हैं यह सार्वजनिक स्थान का अतिक्रमण है फेरी वालों को मनमर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती फेरी वालों को हंकिंग नीति के अनुसार ही फेरी लगाने की अनुमति दी जा सकती है तो वही घूम घूम कर ही सामान बेच सकते हैं जहां पर कहीं फुटपाथ पर अतिक्रमण पाया जाता है वहां संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और फुटपाथ से अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए आपको बता दें कि अगर कोई मकान या दुकान मालिक अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से फुटपाथ पर कब्जा करता है तो उसके आवाज और दुकान पर पानी बिजली और सीवेज जैसी सेवाओं को बंद करने की बात कही गई। यहाँ पर आपको बता दें कि फुटपाथ पर होने वाले अतिक्रमण पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये टिप्पणी दी थी और इसी के परिप्रेक्ष्य में दून शहर में जागरण ने फुटपाथ की पड़ताल की और आपको बताते चले कि ये सच सामने आया कि वहां पर पांच साल पहले 2017 में प्रदेश में जब बीजेपी सरकार बनी तब तत्कालीन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने देहरादून में मॉडल रोड का जो ख्वाब शहरवासियों को दिखाया था वो 2022 में बीजेपी ने फिर से सत्ता में आने के बाद अभी भी अधूरा है घंटाघर से आईएसबीटी तक करीब साढ़े छह किलोमीटर लंबी सड़क का मॉडल रोड बनाने का दावा किया गया था लेकिन मॉडल रोड तो यह कभी बन ही नहीं सकी लेकिन जो कोशिश की गई वो भी कामयाब नहीं हुई ऐसे में आईएसबीटी से घंटाघर तक मॉडल रोड की नाली और फुटपाथ पर जहां भी काम हुआ वहां अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है साढ़े छह महीने साढ़े छह किलोमीटर क्षेत्र के छोटे बड़े छह सौ अतिक्रमण हो चुके हैं और मॉडल रोड के फुटपाथ और नाली से बाहर सड़क तक अतिक्रमण किया हुआ है ऐसे में शिमला बाईपास में लालपुल पटेल नगर से सारनपुर चौक और गांधी रोड से घंटाघर तक यही स्थिति है आड़त बाजार के बाटल नेक पर भी प्रशासन ने पहले ही कदम पीछे खींच लिए लिहाजा यहां फुटपाथ तो दूर सड़क तक अतिक्रमण पसरा हुआ है और करेंगे अगली खबर की ओर रोडवेज बसों से जुड़ी एक खबर है जो आपको बता दें कि यहाँ पर अब रोडवेज बसों का किराया 30 फीसदी तक बढ़ सकता है रोडवेज प्रबंधन ने 35 से 40 पैसे प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण को भेज दिया है रोडवेज ने इसके लिए अब डीजल वाहनों और पार्ट्स की महंगाई का हवाला दिया है और आपको बता दें कि वर्तमान में मैदानी मार्ग पर रोडवेज बसों का एक रुपया छब्बीस पैसे प्रति किलोमीटर किराया होता है जबकि पहाड़ी मार्गों पर एक रुपया बहत्तर पैसे प्रति किलोमीटर यात्री किराया लिया जाता है तो वही आरटीओ प्रशासन दिनेश पटोई ने बताया है की निजी वाहन बस टैक्सी मैक्सी कैब ऑटो तो रिक्शा और सिटी बसों का किराया भारी वाहनों का माल भाड़ा है और चारधाम का किराया तय करने की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है शुक्रवार तक इसे एस को भेज दिया जाएगा साथ ही आपको बता दें कि रोडवेज बसों का किराया फरवरी 2020 से बढ़ाया नहीं गया इसीलिए यात्री किराए में 30 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव इस बार एस और परिवहन सचिव को भेजा गया है इस पर फैसला फिलहाल एस को ही लेना है तो वही पहाड़ों की रानी मसूरी का पर्यटन सीजन शुरू होने को है ऐसे में एक करोड़ रुपए की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी मॉल रोड सहित मसूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पेयजल लाइनों को डालने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है इससे लोगों को अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको भी बताते हैं कि मसूरी का निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने ये बताया है कि संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसके बाद क्षतिग्रस्त मॉल रोड सड़क को ठीक कर लिया जाएगा लेकिन आपको बता दें कार्य की गुणवत्ता इतनी खराब है कि एक हफ्ते में ही सड़क टूट खराब होने लगे सड़कों पर जमा बजरी से दुपहिया वाहन फिसल रहे हैं और लोग घायल हो रहे हैं जल निगम विभाग के अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं तो वहीं मसूरी गांधी चौक से मॉडर्न स्कूल रोड भी पिछले दिसंबर से पेयजल लाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त हालत में छोड़ दिया गया ऐसे में सड़क में अब स्कूलों के बच्चे रोज आते जाते हैं तो वहीं कई बार बच्चे दोपहिया वाहन से भी आते हैं जो अक्सर फिसलकर कर चोटिल हो रहे हैं कई बार जल निगम के अधिकारियों को कहने के बावजूद इस सड़क को बनाने की कार्रवाई नहीं की गई है इससे लोगों में भारी आक्रोश है आपको बता दें कि एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल द्वारा खुद सड़कों का निरीक्षण किया गया और वहीं जल निगम के अधिकारियों को तत्काल ही सड़कों को ठीक करने के साथ साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने ये कहा है अगर सड़क निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आगामी चारधाम यात्रा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में सत्यापन अभियान शुरू किया जा चुका है पिछले दस सालों से बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में रह रहे व्यक्तियों को अब चिन्हित कर उनका सत्यापन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है आपको बता दें कि 10 दिन तक चलने वाला यह सत्यापन अभियान इसके तहत अब सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में कार्यरत निवासरत बाहरी व्यक्तियों और किरायेदारों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है पहले दिन प्रदेश में दो व्यक्तियों का सत्यापन किया गया इनमें से श्रमिक रेहड़ी वाले और ठेले वाले किराएदार भी शामिल हैं इस दौरान जिला में जिन मकान मालिकों ने किराएदारों को सत्यापन नहीं करवाया था उनसे जुर्माना भी वसूला गया तो वहीं जिन व्यक्तियों पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का शक है पुलिस उन्हें डिटेल अलग से उनकी डिटेल तैयार कर रही है ताकि आने वाले दिनों में उनकी गहनता के साथ जांच कार्रवाई की जा सके आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को प्रदेश में चंपावत जिले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने के चलते यहाँ पर सत्यावन की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है हालांकि अन्य जिलों में पुलिस की ओर से घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है हरिद्वार में भी 521 देहरादून में 180, टिहरी में 108 उत्तरकाशी में 160, पौड़ी में 241, रुद्रपुर में रुद्रप्रयाग में करीब 560, चमोली में 200, बागेश्वर में 60, नैनीताल में 121, अल्मोड़ा में 104 और ऊधम सिंह नगर में 477 घरों का सत्यापन किया जा चुका है साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि सभी जिला प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो घर घर जाकर सत्यापन की कार्रवाई करेंगे अगर किसी पर या किसी के घर पर कोई संदेह मिलता है या कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है या किसी पर भी शक होता है तो उसके बारे में अवश्य जांच की जाएगी तो वहीं लगातार दूसरी बार सत्ता में आई बीजेपी अब जल्द पार्टी नेताओं को मंत्री पद के दर्जे के समकक्ष दायित्वों की सौगात दे सकती है आपको बता दें कि आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीएल संतोष के साथ देहरादून में होने वाली बीजेपी संगठन की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिए जाएंगे आपको यह भी बता दें कि अलग अलग राज्य बनने के बाद पांच विधानसभा चुनावों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर मिला है साल 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से सत्तावन सीटों पर जीत दर्ज की इसके साथ ही चौथाई से अधिक बहुमत हासिल की बीजेपी ने यहां पर और इसी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने पूरी कोशिश की लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी ने जोरदार तरीके से सैंतालीस सीटें जीतकर तिहाई दो तिहाई बहुमत प्राप्त की है जबकि अब सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के कामकाज को गति देना शुरू किया है और मुख्यमंत्री धामी के उपचुनाव के लिए चंपावत सीट रिक्त हो चुकी है इस बात के अब संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी ही बीजेपी नेताओं को दायित्व बांट दिए जाएंगे दायित्व का आशय विभिन्न निगमों आयोगों और समितियों के द्वारा सरकार के द्वारा नियमित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों से है यहां पर कैबिनेट या फिर राज्य मंत्री का दर्जा होता है साथ ही बता दें कि इन अन्य खर्चों के साथ साथ अनिश्चित मानदेय मिलता है और इन समितियों निगमों और आयोगों में सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है लेकिन इन मंत्री पद के समक्ष इन्हें दर्जा नहीं दिया जाता सूत्रों के अनुसार इस बार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व को लेकर लंबा इंतजार नहीं करना चाहती इसलिए संभावना है कि अगले कुछ दिनों में इस संबंध में निर्णय लिए जाएंगे पिछली बीजेपी सरकार में सौ से अधिक व्यक्तियों को दायित्व दिए गए थे जिनमें सत्तर से अधिक को मंत्री पद का दर्जा भी हासिल था